स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? और सबके एग्जाम प्रिपरेशंस कैसे चल रहे हैं? चलिए हम शुरू करेंगे अपना आज का टॉपिक। कल मैंने आपको बायोलॉजिकल फैक्टर एंड कल्चरल फैक्टर बताया था इन ह्यूमन इवोल्यूशन, जिसमें से मोस्टली मैंने आपको सारा पढ़ा दिया था। दो तीन चीज़ें बची थी, वो मैं आपको अभी कवर करवा दूंगी। देन हम कवर करेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है? ये जो आपका टॉपिक है, ये चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है। अब हम प्रॉपर कंटिन्यूसली चलेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड को, ठीक है? हम इस तरह चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर ह्यूमन इवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है? माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। हम अब स्टार्ट करेंगे आपका एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट का टॉपिक, ओके? लेट्स बिगिन। तो हमारा जो खत्म हुआ था वो मैंने वहाँ पे आपको कुछ जेनेटिक्स के पॉइंट्स पे लाके खत्म किया था, ठीक है? अब आता है ट्रेट्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है? ह्यूमन इवोल्यूशन के ट्रेट्स क्या क्या है, मेन पॉइंट ये है, ठीक है? उसके बाद हम बताएंगे फॉसिल, ठीक है? जैसे स्कल्स, नेल हो गए, स्कल्स आर्म हो गए, हैंड हो गए, ये हो गया फॉसिल का मतलब बायोपेडामिज्म में जो जो आता है वो, ठीक है? फिर कार्नियल स्ट्रक्चर्स क्या है, फिर हम आएंगे थ्योरी इवोल्यूशन पे, ठीक है? तो इसमें एस्ट्रोनोप्रिथेसिस फ्रांसिस एफ्रांसिस टू अफ्रीकन्स, ये क्या है, ठीक है? ऐसे रोबो, ये सब नेम का वो है, मतलब तो सबके अपने अपने नेम्स हैं। टूल स्ट्रक्चर हो गया, एच हैबिलिसिस जो है, थॉट और ओल्ड वर्ड है, मोर काइंड ऑफ टूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है? ये क्या है, टूल स्पेशलाइजेशन एंड पॉपुलेशन एक्सपोजर टू द न्यू वर्ल्ड, ये नाम रखे गए थे, ये वो चीजें हैं। फिर आते हैं, जैसे हमने बताया आपको फॉसिल, होमोनिसेस मतलब स्कल्स निन एंड स्कल्स आर्म हो गया, हेड हो गया, तो लार्ज शॉर्ट फेस कंपेयर टू ऐप, ऐप के कंपेयर में क्या है, फेस जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, वर्टिकल पेरिली ऑफ द हेड, ठीक है? फोर एंडेड फोर लिम्स, हैंड्स में कोई लोकोमोशन नहीं होता, इनलार्ज थंब होता है, ठीक है? स्ट्रेट फिंगर नॉट कवर्ड, उंगलियां जो होती हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, किसी भी उंगली में कोई कर्व प्रेजेंट नहीं होता, इनहांस फिंगर सेंसिटिविटी, ठीक है? फिर आते हैं बाइपेडलिज्म पे, एच शेप बैकबोन होती है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें जो बैकबोन होती है वो एच शेप्ड की होती है, शॉर्ट वाइड ब्लू शेप पेल्विस होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है? फॉर्नल एंड हेड जो है वो एंगल एंड स्ट्रेटेंड होता है, स्ट्रेटेंड हैंड लिम्ब होते हैं, हैंड लिम्ब होते हैं, एंगल ऑफ ए नी, ठीक है? प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ए फुट, ठीक है? नॉन पोजिबल बी बिग टो एंड टोज नॉट कवर, ठीक है? ये था बाइपेडलिज्म। और बाइपेडलिज्म क्या होता है उसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो एक बार देखनी पड़ेगी कि बाइपेडलिज्म किसको बोलते हैं, ठीक है? होमो, जिसमें हम कार्निवल स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, जो कार्निवल की कैपेसिटी है वो कितनी है, 1000 cc, रिड्यूस बोर इंच, ठीक है? रिड्यूस द स्लोपिंग फोरहेड, रिड्यूस द प्रोग्नेटिज्म एंड आर्टिस्ट पोजीशन ऑफ द टी स्ट्रेट। ये था अब तक का आपका बायोलॉजिकल कल्चरल, ठीक है? बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन। अब हम आते हैं इस मेन टॉपिक पे जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है? और जब भी हम किसी भी थ्योरी की इवोल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही थ्योरी आती है, चार्ल्स डार्विन। आप कभी भी देखना ये चीज, क्योंकि हमने बचपन से जब भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा है तो हमारे को हमेशा चार्ल्स डार्विन ही पढ़ाया गया, इसलिए हमारे माइंड में जो है चार्ल्स डार्विन थ्योरी आती है। डार्विन थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के लिए, तो मेन आइडिया क्या है, चार्ल्स डार्विन जो है डेवलप ए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन
बेस्ड ऑन द नेचुरल सिलेक्शन, किसके बेस्ड पर है? चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी डेवलप करी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो डेवलप करी, वो किसके बेस्ड पे करी? नेचुरल सिलेक्शन के बेस्ड पे। ठीक है, डार्विन का वर्ड जो है वो कॉन्ट्रोवर्सियल क्यों रहा? ठीक है, अब हम बताते हैं आपको व्हाई वाज डार्विन वर्ड कॉन्ट्रोवर्सियल। ठीक है, अब दो चीज होती है, एक है इवोल्यूशन और एक होता है क्रिएशनिज्म। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या होता है, क्रिएशनिज्म क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्रिएशनिज्म बिलीव दैट गॉड क्रिएट ऑल लिविंग थिंग टू बी यूनिक। ठीक है, क्या है आपका क्या माइंड है, आप क्या सोचते हैं, वो क्या है कि गॉड क्रिएट ऑल लिविंग थिंग्स टू बी यूनिक। और इवोल्यूशन थ्योरी इज दैट ऑर्गेनिज्म हैव चेंज ओवर टाइम। क्या ये थ्योरी इज दैट ऑर्गेनिज्म हैव चेंज ओवर What made Darwin question previous assumption and how different organisms came to be? ठीक है, चार्ल्स डार्विन का बोन हुए थे। अब हम आते हैं चार्ल्स डार्विन के ऊपर। चार्ल्स डार्विन जो है वो 1809 में बोन हुए थे, इनकी एज 22 थी। ठीक है, जब उन्होंने HMS में, मतलब ब्रिटिश शिप में नेचुरलिस्ट किया था, मैपिंग एक्सपेंडेशन ऑफ द एस अमेरिकन एंड एस पैसिफिक। ठीक है, चार्ल्स बुक इन्फ्लुएंस डार्विन लेन सेड अर्थ वाज अ मिलियन ऑफ इयर्स ओल्ड। अर्थ जो है बहुत मिलियन ईयर पुराना है। ऑब्जर्व फॉसिल्स ऑफ द मैन, एनिमल्स और माउंटेन एक्सेट्रा। ऑब्जर्व चेंजिंग अर्थ। ठीक है, अर्थ को एक आते हैं, अर्थ को एक हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती है जो उन्होंने अर्थ पे देखे। सॉ चेंजेस इन द लैंड पे भी वो चेंजेस देखे। Thought organisms would have to adapt these of changes. इन्होंने क्या देखा कि जो organisms हैं वो उस adapt को, जो मतलब जो भी changes हो रहे हैं उसको adapt कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ studies करी डार्विन ने। Observe the thousand of different species, उन्होंने जितने भी different types of species थी उनको observe किया। उन्होंने कुछ careful notes prepare किए, took careful notes। उन्होंने कुछ स्पेसिमेंस जो थे उनको कलेक्ट किया और उन्होंने स्टडीज की पॉजिट। उन्होंने ये सब मेन मेन चीजें की ना, एक मिनट भाई। ठीक है, तो हम आते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन पे। बट स्टिल डार्विन ने जो है इन सब स्टडीज की थी, इन सब स्टडीज पे ध्यान दिया था। तो आर्टिफिशियल क्या है? ब्रीडिंग बाय द डिजायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, एंड नेचुरल क्या है? नेचुरली डिजायर्ड ट्रेट्स आर ब्रीड मोर ऑफन एंड कॉज द ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज ओवर द टाइम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इवोल्यूशन। तो आर्टिफिशियल मतलब ब्रीडिंग ऑफ डिजायर्ड ट्रेट, एंड नेचुरल इज अ नेचुरली डिजायर्ड ट्रेट आर ब्रीड मोर ऑफन कॉज ए ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज इन ऑल इन स्पीशीज इन ओवर टाइम। तो अब आते हैं हमने अभी तक पढ़ा कि भाई डार्विन ने क्या क्या पढ़ा, वो क्या एज में थे, क्या था। अब हम पढ़ते हैं कि डार्विन की थ्योरी क्या थी। पब्लिश बुक में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन विद द हेल्प फ्रॉम द अनदर साइंटिस्ट। ठीक है, उनकी चार मेन बेस थ्योरीज हैं, उनके चार मेन आइडियाज हैं उनकी थ्योरीज के। एक तो वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, ओवर प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। ठीक है, उनकी ये चार चीजें बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे आपका। ठीक है,
तो हम आते हैं वेरिएशन। मैंने आपको पहले भी चीजें बताई हैं कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन डिफरेंसेस अकर अमंग द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अंदर लेकिन उनको अलग, उनका डिफरेंस शो होना, उनका वेरिएशन शो होना, उनके मेंबर्स में वो वेरिएशन दिखना, उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएशन। मतलब वो डिफरेंस शो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग, कुत्ता है तो एक मतलब एक ब्रीड है ना, लेकिन उसके कितने सारे अलग 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 मेंबर्स होते हैं, अलग 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 स्पीशीज, तो उनको क्या बोलते हैं वेरिएशन बोलते हैं, कि उसमें वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, जैसे डॉग है, हॉर्स है, कैट है, बहुत सारी चीजें हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, ट्रेड्स आर द इनहेरिटेड, क्या इनहेरिट हुए ट्रेड्स। ठीक है, अब आते हैं ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म देन कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म क्या है, ज्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे वो सर्वाइव कर सके एंड रिप्रोड्यूस हो सके। दिस इनसिक्योर सम दैट सम ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग विल सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस एज अ फिश, इंसेक्ट, फ्रॉग एक्सेट्रा। ये किसमें आते हैं, ओवर प्रोडक्शन। Survival of the fit test. Organism with trait that are better for adapting survive to reproduce. Organism की वो trait जो betterly adapt कर ले इसके लिए survive करने के लिए and reproduce करने के लिए. Pass on these useful trait. Natural selection, environment determine which variation will be selected. Environment के determine करे कि कौन सा variation जो है वो selected है. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बहुत बड़ी आपको नहीं। अगर आपके पास चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आती है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू से मेन आइडिया क्या था चार्ल्स डार्विन का, वो आप लिखेंगे। देन आप बताएंगे कि क्रिएशनिज्म में एंड इवोल्यूशन में क्या डिफरेंसेज हैं, डेफिनेशन डिफरेंस डाल दीजिएगा और कुछ मत करिएगा। उसके बाद चार्ल्स डार्विन की थोड़ी सी बेसिक इंट्रो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उनको क्या उन्होंने पढ़ा, क्या नहीं, उनकी स्टडीज क्या थी वो। ठीक है, फिर उन्होंने आर्टिफिशियल नेचुरल सिलेक्शन का क्यों डिस्कस किया आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप आएंगे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पे। अगर ये क्वेश्चंस चल रहे हैं तो पहले आपको प्रॉपरली इंट्रो तो देना ही पड़ेगा ना, फिर आप थ्योरी पे आएंगे। देन थ्योरी पे आएंगे तब उनकी डेफिनेशन देने के बाद उनको बोलेंगे कि थ्योरी बेस्ड ऑन द फोर मेन आइडिया, चार मेन आइडियाज पे थ्योरी बेस्ड है, वो चार मेन आइडियाज आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, फिर उनको क्या है, फिर उनको आप आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहले था वेरिएशन, तो आपने वेरिएशन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर ओवर प्रोडक्शन, ये सर्वाइवल, इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो, अगर आप, मेरा प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मुझे किसी स्टूडेंट्स ने ये नहीं बताया कि उन्हें नोट्स कैसे चाहिए। मतलब उनको पीपीटी फुल लिखी हुई प्रॉपर नोट्स वाले चाहिए, जिससे वो बस अपना लिख के काम चला ले, या उन्हें वो मुझे नोट्स के लिए वो मेरे को अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर उन्हें प्रॉपर नोट्स चाहिए। क्योंकि देखो, मैं पीपीटी प्रॉपरली ऐसे तो नहीं बना सकती ना कि पूरी एक चीज उसमें लिख दूँ और देन बोल के यहाँ से चली जाऊँ, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने हर चीज पॉइंट्स में रखी है, जिसको आपको इजीली माइंड में भी रहे और आप एक बार समझ के इजीली इसको कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे आके खत्म होता है सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। ठीक है, अब आते हैं इवोल्यूशन के उस पे। ठीक है, एक सेकेंड ना, एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन, तो उसमें आएगा आपका फॉसिल, एनाटॉमी, एम्ब्रायो, मॉलिक्यूल एंड बायोजियोग्राफी। ठीक है, फाइव स्टेजेस हैं, फॉसिल, एनाटॉमी, एम्ब्रायो, मॉलिक्यूल्स एंड बायोजियोग्राफी। ठीक है, अब हम पहले सबसे बड़े पढ़ेंगे फॉसिल, फिर एनाटॉमी, फिर होमोलोगस, फिर होमोलोगस से एनालोगस, एम्ब्रायो, फिर मॉलिक्यूलर एविडेंस। ठीक है, बायोजियोग्राफी।
पॉजिटिव, शो द एग्जिस्टिंग स्पीसीज, ठीक है, शो द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड एशियंट स्पीसीज, ठीक है, शो करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, करंट और एशियंट स्पीशीज के, शो द इंटरमीडिएट स्पीशीज दोज इन बिटवीन एशियंट एंड द मॉडर्न स्पीशीज, ठीक है, शो करता है इंटरमीडिएट स्पीसी मतलब दोज जो कुछ मॉडर्न है और कुछ एशियंट स्पीशीज है इनके बीच में, डिफरेंस इन ट्रेड ड्राइव्ड एंड एज वेल एज एंसेस्टर, ठीक है, ये था फॉसिल में। एंटानोमिकल एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर फाउंड इन क्लोजिंग रिलेटेड स्पीशीज हैव कॉमन एंसेस्टर्स, इनके क्या है कॉमन एंसेस्टर होते हैं, दे वेरी वर्टिब्रेट्स हैव ए सिमिलर लिम्ब स्ट्रक्चर, इनके वर्टिब्रेट के सिमिलर लिम्ब स्ट्रक्चर होते हैं, बट दे हैव नॉट द बट मे नॉट हैव ए सेम फंक्शन, जिसको हम लोग होमोलोगस बोलते हैं, मतलब इनका लिम्ब स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है, ठीक है, बट फंक्शंस जो हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं होमोलोगस। होमोलोगस, ठीक है। वेस्टिबुलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नॉट करंटली यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, एविडेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी पार्ट, जैसे एग्जांपल हिंड लिम्ब्स ऑफ डॉल्फिन, व्हेल, ये सब होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर नॉट करंटली यूज्ड, स्ट्रक्चर बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी पास्ट, इसका इवोल्यूशनरी पास्ट है वो एविडेंस ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, जैसे हिंड लिम्ब ऑफ डॉल्फिन या व्हेल, ठीक है, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके जिसमें लिम्ब स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है बट उसके फंक्शन जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो ये देखो ह्यूमन है, ह्यूमन का हैंड है, कैट का हैंड है, ठीक है, बर्ड है, व्हेल है, ये सब क्या है होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब आते हैं होमोलोगस एंड एनालोगस के डिफरेंस पे। रिमेम्बर होमोलोगस मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर और एनालोगस क्या होता है स्ट्रक्चर विद सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फंक्शन जो है वो सिमिलर है, ओरिजिन सिमिलर, जैसे फॉर एग्जांपल बैट विंग और बर्ड्स विंग इज कॉल्ड एनालोगस, ठीक है। इसमें क्या होता था होमोलोगस में स्ट्रक्चर सिमिलर होता था बट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते थे, होमोलोगस में ये चीजें हमेशा याद रखना, जो है सिमिलर स्ट्रक्चर होता था बट फंक्शन डिफरेंट होते थे, ठीक है, बट एनालोगस में स्ट्रक्चर में फंक्शन जो है वो सिमिलर है बट स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शन सिमिलर है बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना होमोलोगस एंड एनालोगस में। ये देखो जैसे ये होमोलोगी है, हैंड ह्यूमंस का, बर्ड्स का, एलिफेंट का, फ्लाई है, ये क्या है ये एनालोगी है। अब एम्ब्रायो पे आते हैं, पैटर्न ऑफ मियोसिस मतलब गैमेट फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन वो अडल्ट फॉर्म होगा। ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रायो हैव ए होमोलोगस स्ट्रक्चर बट होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है दैट मे नॉट बी इन द अडल्ट, ठीक है, जैसे टेल मोस्ट एडल्ट कीप इन देयर टेल, लिम्ब बट बिकम्स लिम्ब, वर्टिब्रेट हैव ए कॉमन एंसेस्टर, वर्टिब्रेट जिनके उनके कॉमन ही एंसेस्टर्स हुआ करते, ये ह्यूमन का है, बट ये फिश एंड ये ह्यूमन, ये देखिए ये फिश का वो है एम्ब्रायो, ये उसकी स्टेजेस हैं, ठीक है, ऐसे ये टॉर्टोइस का है, ये टॉर्टोइस है, ये चिक का है, चिक है, ये गाय का बच्चा इसको होते हैं, ये वो है,
ये रैबिट है और ये ह्यूमन है, ठीक है। मॉलिकुलर एविडेंस पर डीएनए, डीएनए क्या है, बेसिक जेनेटिक कोड फॉर ईच स्पीशीज, हर एक स्पीशीज का एक बेसिक जेनेटिक कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ऑल हैव द सेम बेसिक जेनेटिक कोड, जितने भी ह्यूमन होते हैं सबके बेसिक जेनेटिक कोड जो होते हैं वो सेम होते हैं। स्पीशीज दैट आर द सिमिलर हैव अ मेनी सिमिलैरिटी इन देयर डीएनए, स्पीशीज विद अ मोर डिस्टिंक्ट एंसेस्टर हैव अ मोर डिफरेंस इन डीएनए, ठीक है। प्रोटीन में बिकॉज ऑफ द सिमिलर डीएनए ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज हैव द सेम बेसिक प्रोटीन, ऑब्वियसली। अगर आप ये बोलते हो कि हमारा सिमिलर डीएनए है तो जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेम स्पीशीज होगी और उनका सेम बेसिक प्रोटीन होगा। तो सिमिलर स्पीशीज सिमिलर अमीनो एसिड सीक्वेंस इन देयर प्रोटीन, सिमिलर स्पीशीज है तो उनके अंदर सिमिलर ही अमीनो प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप इजीली याद रख सकते हैं। मैंने दो दो तीन तीन पॉइंट में इसलिए डाली है कि आपको इजीली आप उसको याद कर पाए, ठीक है, आपको ज्यादा स्ट्रेस ना हो। बायो जियोग्राफी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, अर्थ पे ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायो जियोग्राफी। किसकी स्टडी को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सिमिलर एनवायरनमेंट लेड टू द सिमिलर अडॉप्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इवन इफ वी फार अपार्ट, ठीक है। ये था बायो जियोग्राफी। अडॉप्टेशन क्या होता है, ट्रेट दैट अलाउ फॉर द सर्वाइवल, वो ट्रेट जो अलाउ करते हैं सर्वाइव करने के लिए। फिटनेस मे टू मेजर हाउ इफेक्टिव ट्रेट्स आर, फॉर एग्जाम्पल ऑफ अडॉप्शन, ठीक है। ये है दोनों अडेप्शन के आपके एग्जाम्पल। अडेप्शन क्या होता है कि वो आपको ट्रेड जो है वो सर्वाइवल के लिए वहां पर रहने के लिए आपको अलाउ करें, तो आपको आप उस चीज में अडेप्ट हो जाओ, रहना रह सको, उसको क्या बोलते हैं हम, अडेप्टेशन। ये क्या है आपकी अडेप्टेशन के एग्जाम्पल। अब आते हैं इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। इवोल्यूशन जेनेटिक्स में सबसे पहले आता है पॉपुलेशन, द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया। ऑल जीन्स इन पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जीन पूल, ठीक है। एक मिनट गाइस, होल्ड कर दिया। पॉपुलेशन क्या है, मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया, ठीक है। All genes in the population is equals to gene pool. Population genetics, allele frequency, percentage of certain alleles in the population of a gene pool. Gene alleles क्या है, जीन के टाइप। All homologous red color have a 100% frequency of red allele. ये फ्रीक्वेंसी एक एग्जाम्पल के उसको बताइए कि जितने भी होमोलोगस रेड फ्लावर्स हैं उनकी 100% फ्रीक्वेंसी होगी कि फॉर द रेड एलील, ठीक है। यूजली रिमेन स्टेबल इन द पॉपुलेशन। चेंजेस इन द जीन पूल, चेंज कैन बी अकर इन द जीन पूल विच कुड बी फॉर द इवोल्यूशन। काइंड फॉर अ काइंड और अ परसेंटेज ऑफ जीन कैन चेंज, ठीक है। परसेंटेज क्या है वो जीन की, वो चेंज हो जाएगी। फोर थिंग्स कॉज दी चेंज, चार थिंग है जीन बेसिस पे ये चीजें चेंज हो सकती है। पहला नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा म्यूटेशन, फिर है माइग्रेशन एंड आइसोलेशन। इन चार चीजों के बेस पे जो है वो चार थिंग है जिनसे कॉज कर सकते हैं हम चेंजेस, ठीक है। तो वो चार थिंग हम आगे एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, ठीक है। चार थिंग में, फोर थिंग्स में सबसे पहले आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस, वो ऑर्गेनिज्म जो वेल डेवलप्ड है, वेल एडेप्टेड है और सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पास ऑन जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी जीन जो है पास कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। म्यूटेशन क्या है, एड ए न्यू जीन टू द जीन पूल, एक नए जीन का एडिशन होना जीन पूल के अंदर। कैन कॉज सम स्मॉल इंटरमीडिएट चेंज और गो द अनडिटेक्टेड फॉर द जनरेशन। कैन बी हेल्प फॉर द
है हार्मफुल और ये न्यूट्रल। ठीक है, म्यूटेशन वैसे भी क्या होता है, किसी भी चीज का एडिशन हो जाना या डिलीशन हो जाना एक सीक्वेंस में थे। अब एडिशन या डिलीशन जब होता है तो कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी पड़ते हैं और कुछ न्यूट्रल भी हो जाते हैं और कुछ यूजफुल भी हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है म्यूटेशन में, कि एड ए न्यू जीन, एक नया जीन के एडिशन होना एक जीन पूल में टू द जीन पूल, उससे क्या कॉज होगा, कैन कॉज ए स्मॉल इंटरमीडिएट चेंजेस और गो इनडिटेक्टेड फॉर अ जनरेशन। ठीक है, माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, कॉज जीन पूल, मूवमेंट ऑफ जीन्स इन और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या था, माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब माइग्रेट होना। आइसोलेशन, ऑर्गेनिजम्स बिकम सेपरेट फ्रॉम देयर ऑर्गेनिजम्स, जियोग्राफी आइसोलेशन, के कॉज बाय द फिजिकल बैरियर, नेचुरल डिजास्टर, किससे कॉज हो सकते हैं, फिजिकल बैरियर से या किसी नेचुरल डिजास्टर के से, कॉज द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कॉज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन द एंड नाउ सेपरेट द स्पीशीज। ठीक है, तो ये क्या था आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या पढ़ा आपने, ऑर्गेनिज्म बिकम सेपरेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या सेपरेट हो रहे हैं अपने अदर ऑर्गेनिज्म से, कॉज बाय द फिजिकल बैरियर एंड नेचुरल बैरियर, नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, कॉज स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कॉज करते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन नाउ टू सेपरेट द स्पीशीज, जिससे स्पीशीज जो हो रही है वो सेपरेट हो रही है। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए, तो ये था आपका, मतलब ये यहाँ पे आके आपका कंप्लीट होता है बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये जो इतने बड़े बड़े दो टॉपिक्स हैं ये पूरे आज तक खत्म हो जाते हैं आपकी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको ये बताती हूँ कि नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट आपका अब आएगा इसमें ऑर्गेनिक, जो इन्हें इवोल्यूशन बताया ना अभी, ये प्रॉपरली खत्म नहीं है, मुझे अभी इसमें आपको पोस्ट डार्विनिज्म भी बताना है। ठीक है, तो ये मैं आपको कल की क्लास में एक बार पोस्ट ऑफ वो बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में आपको ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, डॉल रूल, कॉक रूल, ये सारे रूल्स मेरे को कल आपको एक बार समझाने हैं। ठीक है, ये कल मैं आपको पूरा समझाना पड़ेगा। तो कल के क्लास में आपका जो ये चैप्टर 1.4 चल रहा है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1.4 जो है वो अप्रोक्सीमेटली कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहला 1.3, 1.2 और 1.1 ये सब जो है उसमें एक में सिलेबस था, एक स्कोप था, वो सब मैं आपको सबसे पहले की फर्स्ट क्लास में सब कुछ करवा चुकी हूँ। ठीक है, अगर बाय चांस कुछ बचता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे उस चीज़ को देख लूँगी कि क्या बचा हुआ है आपका। लेकिन अब आपका मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल जो है आपका वो चैप्टर 1.4 प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज के भी चैप्टर में कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी, बहुत नॉर्मल चीज़ें मैंने रखी थी और लाइंस भी बहुत ईजी थी जिससे आपको पढ़ने और समझने में ईजी रहे। ठीक है, आई नो जो ये ह्यूमन वाला टॉपिक है बायोलॉजिकल कल्चर और ह्यूमन, ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट स्टिल ये डार्विन वाला पॉइंट जितने भी हैं वो बहुत ईजी थे और समझने में भी बहुत आसान थे। ठीक है, तो मैंने इनकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी रखी थी, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या फिर संडे तक आपका चैप्टर नंबर
1.4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन फिर मंडे से आपका चैप्टर नंबर 1.5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में एक दो क्लास मैं मिस कर दूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी क्लासेस अपलोड करूँ, मैं एक भी क्लास मिस ना करूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी इशू है तो मैं आपको बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, ठीक है, अगर आपको कोई नई चीज़ समझ में आ रही है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। या फिर ऐसा है कि आपको समझ में तो आ रहा है बट आपको नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी, ठीक है, जिस पे आप उसे पर्सनली अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ों को प्रॉब्लम हो रही है। देन उसके अलावा, वो पूछने के अलावा भी आप मेरे को नोट्स वगैरह मांग सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको डेली के डेली नोट्स जो हैं वो मैं आपको सेंड कर दिया करूँगी, जिससे आपको भी बहुत ईजी रहेगा। बट गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसमें अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको कमेंट करिए, ठीक है, जिससे मेरे को समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कमेंट करिए, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, और एक नए गोल के साथ। तो ओके, बाय स्टूडेंट्स, एंजॉय योर डे।